अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं भाई मकबूल फ्रॉम सऊदीया। तो आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मैं आया था मदीना ज़ियारत के लिए, हरम तो ज़ियारत की है। अब मैं जा रहा हूँ अपने कज़न के पास जो इधर काम करता है दुकान पे। सब होटल है, आजकल तो बंद है कोरोना की वजह से। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तो कैसे लगे हैं आपको ये होटल? ये 5 स्टार 7 स्टार बड़े होटल हैं। बहुत ही अच्छी तनख्वाह इधर मिलती है अगर कोई काम करे तो। वैसे तो काम आजकल बंद है क्योंकि उम्र है नहीं, होटल भी बंद है। जब इधर काम होता था तो बहुत बड़ी तनख्वाहें मिलती थी इधर। चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, जब ये खुलेंगे तो फिर रौनक बहाल हो जाएगी इधर की। अब मैं लिफ्ट से नीचे उतर रहा हूँ। ये नीचे पुल है, ऊपर जो है रोड है। पहले जो है ऊपर रोड से गुजरते थे, अब ये नफक बन गई है। अब ऐसे नीचे उतर रहे हैं। तो ये साथ साथ दुकानें इधर अक्सर जो है अफगानी है, थोड़े बहुत मसरी भी हैं लेकिन ज़्यादा अफगानी है इधर। इस नफक के अंदर बहुत बड़े एसी लगे हुए हैं, बहुत ठंडी जगह है। और निकलने के लिए फिर आगे जो है फिर लिफ्ट लगी हुई है, फिर लिफ्ट के जरिए हम निकल जाएंगे बाहर रोड पर। तो ये देखें साथ साथ दुकानें हैं। जी अब मैं आ गया हूँ लेफ्ट से ऊपर। ये अब मैं बाहर निकला हूँ, आगे है रोड। देखें सफाई का कितना खूबसूरत निज़ाम है, कहीं कचरा वगैरह आपको नज़र नहीं आएगा। और अब मैं रोड पर पैदल जा रहा हूँ। ये साथ साथ जो है बड़े होटल हैं। ये अभी जो मैं नीचे उतरा हूँ नफक से, ये वही रोड ऊपर जा रहे हैं, नफक नीचे है। ये है सामने बिल्डिंग, ये मॉल है मॉल। यहाँ पर बहुत सी दुकानें हैं कपड़े की,
इलेक्ट्रॉनिक्स के हर चीज़ के। अब मैं इस मॉल के अंदर दाखिल हो रहा हूँ, ये देखें ये दुकान है, इधर भी अफगानी है, ये इधर अफगानी मिलेंगे, पाकिस्तानी पठान मिलेंगे और इंडियन भी मिलेंगे। ये इधर खजूरों की दुकान है, मार्केट है, ये है वो दुकान, ये सामने वाली ये कपड़े की दुकान है। अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? ये सारा मोले रहे, ठीक है, खैर करिए, ठीक ठाक। ओ चाचा मदनी, ठीक ठाक, फेटो जबरदस्त। अब गप शप कर लिए, अब मैं देखता हूँ कपड़े कि कौन सी वैरायटी है। ये पीछे मेरा देखें, बहुत बड़े तागे पड़े हुए हैं, थान है। ये जो है बड़े बड़े कर्तूने हैं, तकरीबन 40 किलो, 50 किलो, 70 किलो। ये मुलेर कोई सस्ता कपड़ा क्यों दिखा? सारे सस्ते हैं, ये किरा मार गया। बॉस की कीमत देना, मैं बॉस की मुख्तलिफ रेट है, 650 रियाल दा ही है। वो केड़ा है? वो चाइना दी बॉस की है, कोरिया दा है, इंडोनेशिया दा है। चंगा केड़ा है? चाइना वाला अच्छा है, इंडोनेशिया वाला है 140 रियाल दा है, 150 दा है, 130 दा है। ਕੇ ਮਾ ਹਣੂ ਕੰਮ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਬਈ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਂ ਮਜ਼ੇ ਮਜ਼ਾ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮਦੀਨੇ ਚ ਕਾ ਕੋ ਮਜ਼ਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਮੇਰੇ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਤੂਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਵੇ ਚਾਚਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਉਸੇ ਇਹ ਕਰਤੂਨ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਬਸ਼ਰਵਣੀ 48 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਬਸ ਹਾਂ ਵੱਤ ਕਸ਼ ਬਣੀ ਨਾ ਨਾ ਕਾਕਾ ਪਰਾਉ ਜਿਹੜੇ ਵੱਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੌ ਦੀ ਕੰਮ ਦਾ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਰੋਵੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਤਨਖਾਹ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਾਦੀ ਗਣਿਆ ਅੱਜ 8-9 ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗਿਣ ਕੇ ਖਾਦੀ ਗਣਿਆ इधर भी मज़े भी मज़े हैं। हाँ। इस दुकान पे बाहर मजदूर के मज़ा नहीं है, सारा दिन मजदूर को जो है सारा कपड़ा लगाते हैं काम पे, इंडोनेशिया, चाइना, कोरिया, जापान, हर मुल्क का कपड़ा है, हर मुल्क का कपड़ा इधर है। पाकिस्तान दा है? पाकिस्तानी कपड़ा ना, पाकिस्तानी कपड़ा 2 नंबर दे पीछे ना ना, आजकल तो बड़ी डिमांड है पाकिस्तान में, 2 नंबर कपड़ा भेजना था, नहीं गिनता था, सैंपल कुछ देना ना, कपड़ा कुछ होता है। यहाँ जो है थोक का निजाम है, ये देखें इंडोनेशियन, मलेशियन, कोरियन, जापानीज और बोस की जो है, यह है बोस की, यह बोस की है, ये तकरीबन 120-130 का है, 25 मीटर। ₹120 रियाल का है, लेकिन पाकिस्तान में तो 4000 का एक जोड़ा मिलता है, ये 5 जोड़े बनेंगे। ये हैं कपड़ों के कर्तून हैं,
जिसमें 10-10 थान पड़े हुए हैं। ये इधर भी पड़े हुए हैं। ये गाड़ी जो है बाहर खड़ती है और जो काम करता है इधर कज़न वो इन कर्तूनों को पेट पर उठाकर अंदर ले आता है। 70 किलो 75 किलो। ये चाचा जो है ये रिहायशी है यहाँ का, सऊदीया का, इसकी पैदाइश भी यहाँ हुई है। अजवा 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 और ये अजवा है, अजवा खो गई। बिस्मिल्लाह। ये चाचा जो है ये यहाँ का मुदीर है, ये सारा स्टोर जो है इसके अंडर है, और ये मेरा कज़न जो है ये भी इसके साथ काम करता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी का बटन जो है उसको भी लाजमी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।